दोस्तों, श्री साई में प्रति में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आप जानते हैं इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, सेकेंड वेव चल रहा है, जो कि बहुत इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा संक्रामक है। किसी एक को अगर घर में हो जा रहा है, सारे घर में सबको फैल जा रहा है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है और जानलेवा बीमारी साबित हो रहा है। क्योंकि ये जो वायरस है सेकेंड वेव, सीधे थ्रोट के माध्यम से, नोज़ और थ्रोट के माध्यम से सीधे जो है ये लंग्स में पहुँच जा रहा है, और लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा कर रहा है, लिक्विड पैदा कर रहा है, जिससे कि सांस लेने में छोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिससे लोगों की मौत हो जा रही है। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया है कि 1 से 2 दिन भी चलना भारी हो गया। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जिससे कि आपका लंग्स बहुत मजबूत हो जाएगा और इसका इन्फेक्शन जो होगा बहुत कम होगा, गले तक ही रह पाएगा, लंग्स में नहीं पहुँच पाएगा, लंग्स आपका प्रॉपर वर्क करता रहेगा। लेकिन इस मेडिसिन को बताने के पहले मैं आपको कुछ उपाय बता दूं, कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें बता दूं, जो कि आप करते रहेंगे तो आप बहुत मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, इसका असर ज़्यादा नहीं होगा, और अगर असर होता भी है तो 2-4 दिन में आप सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है फ्रेंड, आपको अपने घर का जो फ्रीज है उसको बंद कर देना है, ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है आपको। दूसरी बात, आप रोज़ सुबह शाम जो है 1 कप काढ़ा पियेंगे। काढ़े में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, नींबू होना चाहिए, दालचीनी होनी चाहिए, नींबू, दालचीनी, लौंग और इलायची, अदरक, इसका काढ़ा बनाएं। तो सुबह शाम, ज़्यादा नहीं पीना, सिर्फ सुबह शाम 2 कप पिए काढ़ा, और इस बीच आप गुनगुनी चीज़ का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला, इसका प्रयोग करें, जिससे कि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है। और जब आप बाहर से घर में जाते हैं तो आप भाप लें, आप एक तौलिए को मुँह ढक के जो है पानी गर्म करके उसका भाप लें, रोज़ 1 बार 2 बार भाप लें। इससे जो बहुत ज़रूरी है बचाव के लिए वो मैं बताता हूँ। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 की 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम 1 हफ्ते तक लें इसको, और घर में सबको ये दे दें। उसके बाद आपको क्या लेना, विटामिन डी की 1 गोली हफ्ते में 1 बार ज़रूर लें, जिंक की 50 mg की गोली रोज़ 1 गोली खाएं, और विटामिन सी की सुबह शाम 1-1 गोली खाएं, और सुबह जो है मॉर्निंग वॉक निकलें, थोड़ा धूप लें, जिससे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो धूप ज़रूर लें, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, सांस को गहरी गहरी खींचिए और छोड़ें, और रात में सोते समय संभव हो तो हल्दी और दूध का सेवन करें, 1 कप हल्दी और दूध जरूर लें। तो ये सब चीज़ें आपको इम्यूनिटी आपकी जो है बूस्ट करेगी, और जो भी वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी, कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी अगर आपकी थी उससे लड़ेगी और आपको हेल्दी रखेगा। इंडिया से आपको 7 दिन लेनी है, 7 दिन बाद उसको ब्रेक कर देना है, फिर 1 महीने बाद लेनी होती है, 1 महीने तक इसका असर बढ़िया चलता रहता है। इसके साथ आप हल्दी दूध का सेवन करें, फुनफुना हल्दी दूध भाप लें, गर्म पानी और नमक थोड़ा सा डालें, गलारा करें, और जब भी आप बाहर से घर में जाएं तो अच्छे से हाथ पैर मुँह धुलते सैनिटाइज़र लगा के धुल लें खूब अच्छे से, उसके बाद आप 1 कप काढ़ा पिए और भाप लें, नमक पानी गलारा करें, इतना कर लेंगे तो कफ ढीला हो जाएगा, जो भी लोड होगा वायरस का वो समाप्त हो जाएगा। ये बताता हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है, जिसको गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, चेस्ट भारी लग रहा है, उसके लिए क्या करना है, क्योंकि आजकल सिलेंडर की स्थिति आप जानते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे। तो सेचुरेशन अगर ऑक्सीजन का आपका 90 के बिलो जा रहा है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्पिरोस्पर्मा, होम्योपैथिक मेडिसिन स्पिरोस्पर्मा की 10-10 वो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेंगे हल्का कुरकुरा पानी में। कार्बोडेज 30 की 2 वो सुबह, 2 दोपहर 2 शाम को लेंगे। जस्टिसिया क्यू की 10 वो सुबह, 10 दोपहर 10 शाम को लेंगे, और आर्सेनिक 30 की 2 वो सुबह, 2 दोपहर 2 शाम को लेंगे। ब्रानिया 30 2 वो सुबह, 2 दोपहर शाम को लेंगे। बस यही कुछ मेडिसिन लेंगे ताकि कि जो आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, जो भी इन्फेक्शन है समाप्त हो जाएगा, 1 हफ्ते में आपको ज़रूर आराम मिल जाएगा। ये कुछ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा और हार्ट को मजबूत बनाएगा, कि हार्ट, लंग्स, ये सब जो चीज़ें उसको मजबूत बनाएगा। तो क्या लेनी है लंग्स मजबूत बनाएंगे, स्पिरोस्पर्मा क्यू, जस्टिसिया क्यू, कार्बोडेज 30, आर्सेनिक 30, ब्रानिया 30, बस इसी मेडिसिन से आपको बहुत अच्छे से निजात मिल जाएगा 1 हफ्ते में। तो ये मेडिसिन
अगर ऑप्शन आता है तो लेनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।